हाय हेलो नमस्कार मुझे जसवंत आपको स्वागत करुच्ची बिंग नेशनल को। तो पुणि गोटे सुंदर और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको वेलकम करुच्ची। आउ हाँ आज आम वीडियो कौन डिस्कशन करवाई जाऊे दैट इज नर्सिंग एडमिशन आम कौन कौन मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट सब दरकार। ठीक अच्छे तो कौ कौ डॉक्यूमेंट्स आप रखिए तो वीडियो को निश्चित देखते आपने जमा भी डाउट करेंगे ना। आपने जेकोसी कोर्स अप्लाई करता ना कहीं वीडियो को लास्ट जाए देखो आम पाखे बहुत टाइम अच्छे 13 सेप्टेम्बर लास्ट डेट अच्छे अप्लायर। तो आपने भल से बुझी सुझी ही अप्लाई करूँ जमी आपने रंग में न पड़ते। आज जब वीडियो आपको भल लगे निश्चित वीडियो को लाइक करूँ कमेंट करूँ आपको सांग निश्चित शेयर करूँ। आदि एपर्त सब्सक्राइब करना जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करूँ ये इंटरेस्टिंग वीडियो को आपने सर्वप्रथमें देखिपारे। आम व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप लिंक दीजिए डिस्क्रिप्शन में जब आप किसी भी डाउट अच्छी किसी भी आपंकर क्वेरी अच्छी आपने जॉइन होकर आमको निश्चित पचारिपारे आम आपको निश्चिंत रिप्लाई देव। तो आसंतु आज इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करियो। तो देखो फास्ट डॉक्यूमेंट आपंकर कौन दरकार ना कलर फोटोग्राफ मस्ट बी ए रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर पिक्चर ऑन लाइट बैकग्राउंड नॉट ओल्डर देन 3 वीक्स। ठीक अच्छे तो आपंकर गोटे रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो दरकार जोटा कि आपंकर मेनली आपंकर 2 रु 4 टी फोटो दरकार। ठीक अच्छे तो फास्ट गला आपंकर देन देखो 2 नंबर कौन रहा ना सिग्नेचर इमेज मस्ट साइन ऑन व्हाइट पेपर विथ ब्लैक इंक पेन। ठीक अच्छे मन रखु ये ब्लू इंक पेन देनी। ठीक अच्छे ब्लू इंक पेन देनी ये ब्लैक। ठीक अच्छे तो कौन कहला ना आपंकर गोटे सिग्नेचर इमेज दरकार जोटा कि आपंकर स्कैन होकर मैंने कॉपी पेस्ट हे तो आपंकर से जो इमेज टी रहा जो सिग्नेचर टी रहा ब्लैक पेन होता दरकार। ठीक अच्छे मन रखु इंपोर्टेंट सब पॉइंट आप देन देखो 3 नंबर कौन दे 10th जोटा कि रहा HSC पास सर्टिफिकेट एंड मार्कसीट इश्यूड बाय BSE ओडिशा और इक्विवेलेंट थेरअफ। ठीक अच्छे तो आपने जब CBSE कैटेगरी पास कर कि आप जो रहा 10th HSC स्टैंडर्ड आपने पास कर तार मार्कसीट आउ तार सर्टिफिकेट आपको ये दुटा निश्चिंत दरकार। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो कौन रहा 4 नंबर आप रहा 10+2 पास सर्टिफिकेट एंड मार्कसीट इश्यूड बाय CHSE और इक्विवेलेंट थेरअफ। ठीक अच्छे तो आपंकर प्लस टू रार्कसीट आपंकर रहा जोटाक सर्टिफिकेट दरकार। ठीक अच्छे देन आप देखो 5 नंबर पॉइंट कौन देना GNM पास सर्टिफिकेट एंड मार्कसीट इश्यूड बाय ONMEB और इक्विवेलेंट थेरअफ एंड ओरिजिनल वैलिड GNM रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रंट एंड बैक पेज इश्यूड बाय ONMRC और इक्विवेलेंट थेरअफ फर PBBSE कोर्स। ठीक अच्छे तो यही जो आमर जो पॉइंटा दे 5 नंबर पॉइंटा यहाँ मेनली GNM कि जी जो मैंने BSE कि जो मैंने ANM अप्लाई करकर ये जमा भी दरकार ना केवल कौ पाई दरकार जोटा कि PBBSE पिला दरकार। ठीक अच्छे तो ये नेक्स्ट देखा 6 नंबर देखो तो कौन दिला ना GNM बेसिक BSE PBBSE पास सर्टिफिकेट एंड मार्कसीट इश्यूड बाय ONMEB यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट थेरअफ ओरिजिनल वैलिड GNM बेसिक BSE PBBSE रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यूड बाय ONMRC इक्विवेलेंट थेरअफ PB डिप्लोमा कोर्स। तो PB डिप्लोमा कोर्स आपंकर जदि रहा GNM कि BSE आमर कि आपंकर PBBSE सर्टिफिकेट आपको ये प्रोवाइड करा पड़ो कापी ना आम रहा जोटा PB डिप्लोमा। ठीक अच्छे तो आपंक जब GNM हो कि बेसिक BSE हो कि ANM हो अप्लाई करता ये सर्टिफिकेट भी आपंकर दरकार ना देन देखो 7 नंबर पॉइंट कौन दे PBBSE और बेसिक BSE नर्सिंग यहाँ रहा कौन ना यहाँ रहा आप MSC नर्सिंग। ठीक अच्छे तो MSC नर्सिंग जब आप्लाय करता ये सब आपंकर दरकार हे। ठीक अच्छे देन देखो 8 नंबर कौन दे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द अपॉइंटिंग अथॉरिटी टू अंडर गो PBBSE MSC एंड PB डिप्लोमा नर्सिंग कोर्स। ठीक अच्छे तो यहाँ देखो बहुत पिला कन्फ्यूज कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आमर केमी बाहर। ठीक अच्छे तो मुझे कही रखुच्छी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो मैंने कि फास्ट थर पर अप्लाई करी जदि किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से मैंने काम करूना देन प्राइवेट भी जदि से क्लीनिकाली काम करें किसी दरकार ना केवल ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कह दरकार ना जो मैंने गवर्नमेंट चाकरी करेन से पढ़ाक चाहते तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दरकार। ठीक अच्छे आउ कहा पाई भी दरकार ना देन देखो 9 नंबर रे वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर MSC नर्सिंग कोर्स। ठीक अच्छे तो MSC नर्सिंग कोर्स आपने जानते आमर 1 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस दरकार। तो MSC नर्सिंग मैंने जो मैंने अप्लाई करें वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तरह निश्चित दरकार। तो देखो नेक्स्ट तापर कौन देखा जोड़ा कि 10 नंबर में कास्ट सर्टिफिकेट आपड़ जब SC ST बिलंगिंग करूँ निश्चिंत आपंकर दरकार पड़ो तो कास्ट सर्टिफिकेट जोटा कि आपंकर मेनली रिसेंटली दरकार। ठीक अच्छे तो SC ST जो मैंने कैंडिडेट रही है कास्ट सर्टिफिकेट को निश्चिंत दिवत कारण से ही अनुजाई आपंकर रिजर्वेशन भी अच्छी।
ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो आपको रहा कौन ना ऑथेंटिक सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ पासिंग एमई स्टैंडर्ड ओडिया दैट इज कौन एमई स्टैंडर्ड ओडिया कहले कौन ना आपण माने जो सप्तम बा अष्टम रे जदि आपण माने आपण ओडिया लैंग्वेज को आज ए लैंग्वेज नहींक्री पास करछंती बा आपण करो जदि 10th रे आपण ओडिया नहींक्री पास करछंती बा प्लस 2 रे आपण ओडिया नहींक्री पास करछंती देन आपण करो आउ एमई स्टैंडर्ड ओडिया जो हमर रहिला सेटा ही आपण क्वालिफाई करछंती किंतु किछि पिला जो माने कि सीबीएसई रे माने स्टैंडर्ड रे पढी थांती से माने जो रहिला हमर ओडिया आज ए सब्जेक्ट तांकर नै नथांती 10th रे नै नथांती कि प्लस 2 रे नै नथांती तो से पिलांग पई गोटे हमर गोटे 6 मास रे गोटे कोर्स थाए तो ओडिया जो आमर एमई ओडिया गोटे सर्टिफिकेट थाए तो तांकु सेटा 6 मास रो कोर्स देकरी तांकु सेटा माने एमई गोटे सर्टिफिकेट बाहर करे को पड़े तो सेटा को से माने देबे तो आपण जदि 10th आ प्लस 2 रे आप ओडिया नै छथि बा सप्तम अष्टम रे आपण ओडिया थिला आपण को ए सर्टिफिकेट किछि दरकार नै आपण को सेई सर्टिफिकेट आपण सेटी दे देबे तो ठीक अछि तो ए सर्टिफिकेट केवल जो माने ओडिया आज ए लैंग्वेज नै नथिबे से मानक पई दरकार तो ठीक अछि आमे बे नेक्स्ट को जिबा नेक्स्ट देखो 12 नंबर रे पॉइंट रे कोन दला ना इंपोर्टेंट डोमिसाइल रेसिडेंशियल नेटिविटी सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दैट इज द वैलिडिटी ऑफ रेसिडेंस सर्टिफिकेट शैल बी 5 इयर्स एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू द सेट सर्टिफिकेट ठीक अछि जोटा के आपन कोन कहला ना हमर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ठीक अछि तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपन को थिबा दरकार जोटा के हमर तार वैलिड डेट केते दैट इज 5 वर्ष तो 5 वर्ष भीतर यदि आपन को रेसिडेंट सर्टिफिकेट अछि देन आपन को पई ओके ठीक अछि नेक्स्ट देखंतु 13 नंबर पॉइंट रे कोन दला ना फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट ठीक अछि तो आपन को यदि फिजिकल डिसेबिलिटी अछि किछि भी देन आपन को तार ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपन को दरकार जोटा के हमर हमर जो रहिला मेडिकल अथॉरिटी आपको प्रोवाइड करेंगे तो ठीक अच्छे मेनली आपर कौन ना 40-50% आपंकर जो डिजेबिलिटी रहा लोअर लिम्स बिटवीन आपंकर लोकोमोटर डिजेबिलिटी 40%-50% आम रही कनसीडरटा मेनली करा जाए ठीक अच्छे तो नेक्स्ट जी नेक्स्ट देखो 14 नंबर पॉइंट कौन दे कैंडिडेट्स हैविंग एनी अदर डिजेबिलिटी विल ओनली बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग प्रोसेस आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ जेन्युइन मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट एंड विल बी ट्रीटेड अंडर अनरिजर्व कैटेगरी तो ठीक अच्छे तो यहाँ आपण मैंने निश्चित बुझीपारे एवं 15 नंबर को जीवा 15 नंबर पॉइंट कौन दला ना सर्टिफिकेट फ्रॉम राज्य सैनिक सैनिक बोर्ड फॉर द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर विडो चिल्ड्रेन ऑफ एक सर्विसमैन कैटेगरी तो ठीक अच्छे जो माने भी एक सर्विस मैन कैटेगरी अंडर रे अप्लाई करुछथि राज्य सैनिक बोर्ड तरफ गोटे सर्टिफिकेट दि जाए तो से सर्टिफिकेटा दरकार तो 16 नंबर पॉइंट रे देखंतु 16 नंबर पॉइंट रे कोन दला ना ओरिजिनल ग्रीन कार्ड विथ ऑल पेजेस इश्यूड बाय चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर इन केस ऑफ कैंडिडेट क्लेमिंग फॉर द सीट अंडर ग्रीन कार्ड कोटा ठीक अछि तो जदि आपण माने ग्रीन कार्ड आपणकर अछि ग्रीन कार्ड सर्टिफिकेट अछि तार आपणकर जो रहिला डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर तरफ जो आपणको इश्यूड हेतिबो तो से सर्टिफिकेट भी आपणको दरकार ठीक अछि तो जदि भी आपणकर ग्रीन कार्ड अछि निश्चित आपण माने अप्लाई करंदु कारण ता पई रिजर्वेशन अछि तो ठीक अछि तो नेक्स्ट देखंतु नेक्स्ट 17 नंबर पॉइंट रे कोन दला ना तो ओरिजिनल मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द गवर्नमेंट एलोपैथिक मेडिकल ऑफिसर ठीक अच्छे तो आपको जेहेतु आप गोटे मेडिकल कोर्स आपको गोटे फिटनेस ठीक अच्छे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको ये दरकार तो ठीक अच्छे जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपको निश्चित देवा पड़ो देन देखो 18 नंबर पॉइंट में मैरिज डिक्लेरेशन इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म एप्लीकेबल फॉर मैरिड कैंडिडेट जो मैंने मैरिड कैंडिडेट रही है से मैरिज डिक्लेरेशन गोटे फॉर्म निश्चित देवा पड़ो ठीक अच्छे तो आपको आउ कि भी देखे दूसरी देखो डॉक्यूमेंट्स तो आपको जो ये 18 डॉक्यूमेंट्स निश्चित आप मन रखु अप्लाई करने पूर्व ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके अच्छी ना ना ठीक अच्छे तो देखो आदि भी आपड़ ये फॉल्स आपंकर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते देन आपर किसी भी एक्शन नि जाए तो से आग डॉक्यूमेंट्स को भलसे रखु आप बहुत टाइम अच्छे अप्लाई करने तो आपड़ निश्चिंत अप्लाई करेंगे तो ठीक अच्छे एवं 18 पॉइंट सरगला देन आपको मुझे आडिशनाल आपको कही रखुच्छी आपश्चिंत ध्यान देते तो देखो आप कौन कौन डॉक्यूमेंट्स सब आप निजे साइड कर रखिए देखो आपको गोटे अंडरटेकिंग देवा पड़ो ठीक अच्छे तो आपको ये जो अंडरटेकिंगटा आपर प्रोस्पेक्टस पूरा लास्ट को मिल जाए आपको यहीटा को फिलअप करी देवा पड़ो देन देखो आपंकर आउ जहाँ भी सब रहा आपंकर मेनली जो फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जोटाक आपको ये थ्रू ही डाउनलोड करी आपको जो सब मेडिकल अफिसर रे पाखु ये फिलअप करार अच्छे देन देखो आप जो म्यारेज डिक्लेरेशन फर्म भी आपने डाउनलोड करके ही फिलअप करेंगे तो ठीक अच्छे आपंकर जहाँ भी डॉक्यूमेंट्स दरकार
ये 18 डॉक्यूमेंट्स सहित आपको मुझे पर पुणी जो डॉक्यूमेंट्स कहली आपको से सबको साइत कर रखबार अच्छे देन आपर गोटे वैलिड मोबाइल नंबर निश्चिंत आपे जोटा कि आपको किसी मेसेज आसो जोटा कि आप ओटीपी आसो देन गोटे वैलिड आपंकर रहा जोटाक जिमेल नंबर ठीक अच्छे तो आपको से जो जिमेल नंबर भी आप गोटे वैलिड देते जो थी आपचिंत आपर पासवर्ड भी मन रखिथे तो ठीक अच्छे तो ये आप दरकार मेनली कौन ना आपर आप्लाय करा पूर्व आप सब डॉक्यूमेंट्स दरकार ठीक अच्छे भाई आप निश्चिंत बुझे कौन कौन डॉक्यूमेंट्स आपंकर दरकार नर्सिंग कोर्स एडमिशन तो नेक्स्ट वीडियो रे आपको मुझे बतईदेवि कि आप्लाय के करेंगे तो जमा व्यस्त हूँ ना आपके बहुत टाइम अच्छे आपर्यर सहित भलसे भिड को देखु देन आप प्रोस्पेक्टस को भलसे पढ़ु देन आपरी भलसे आप्लाय करूँ जमी आपने रंग में जमा भी पढ़ु ना तो ठीक अच्छे तो आज भिडियो ये जब आपको भिडियो भल लगे निश्चित भिडियो को लाइक करूँ कमेंट करूँ आपंक सांग सहित आपंक सब ग्रुप भिडियो को सेयार करूँ जमीक प्रत्येक पिला जो मैंने कि नर्सिंग एडमिशन करने चाहूँ था समस्त पाखे भिडियो निश्चित पहुँच पार जब आप किसी डाउट अच्छी क्वारी अच्छी देन आमको आम कमेंट सेक्शन में पचार पारे ना आम ह्वाट्सअप आ टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी जाकर आपठी जॉइन हो जातु से किसी भी क्वेश्चन ए रिलेटेड पचार पारे आम आपको निश्चिंत बुझेदेव तो ठीक अच्छे आज भिडियो ये नेक्स्ट देखा आगामी एम तो डेटेड भिडियो सहित तो आज रही जय जगन्नाथ।